नमस्कार, इस समय हम आपको ये लाइव तस्वीरें करनाल के मुगल किनाल से दिखा रहे हैं। 386 शॉप नंबर, जहां पर 12 तारीख को जो है कुछ युवक जो है वो आकर किस तरीके से एक शख्स को आकर जो है डंडों से मारने लग जाते हैं। सीसीटीवी कैमरा के फुटेज हम लोग आपको भी दिखा रहे हैं। हमारी आप लोगों से अपील यही रहेगी कि वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। 4 दिन पहले की ये घटना है, जिसके बारे में हालांकि पुलिस को भी जो है जानकारी दे दी गई थी, लेकिन अभी तक हालांकि जो पहचान है वो उन युवकों की नहीं हो पाई है, जिनके द्वारा जो है डंडों से एक शख्स को, जो कि एयरटेल डीटीएच का जिनका यहां पर जो है एक ये शॉप है, हम उनसे एक बार बातचीत भी जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग आपको ये सीसीटीवी कैमरा के फुटेज जो है वो दिखा रहे हैं। हमारी आप लोगों से अपील यही रहेगी कि वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि जल्द से जल्द इन लोगों की पहचान जो है वो जरूर की जा सके। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो दुकान को बंद कर जो है अपने घर की तरफ जाने वाले थे एक शख्स जो है, और वही पीछे से जो है 4-5 डंडों के साथ जो है बदमाश युवक आते हैं, और वो किस तरीके से इनको डंडों से जो है पीट मारने लग जाते हैं, उसकी लाइव तस्वीर हम लोग आपको दिखा रहे हैं। अभी सीसीटीवी कैमरा की फुटेज हम लोग आपको दिखा रहे हैं, और हमारी आप लोगों से अपील यही रहेगी कि वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से जब वे अपनी शॉप को जो है लॉक लगा रहे थे शटर को, और एकदम से पीछे से जो है एक शख्स आता है और बुरे तरीके से डंडों से जो है उन्हें मारने लग जाता है। और अभी तक जैसा कि हमारी सर से बातचीत हुई, जैसा कि उनका कहना है कि कौन थे ये लोग, इनके बारे में जो है हालांकि अभी तक कुछ भी पता नहीं लग पाया है। हालांकि एक युवक जो है वो सीसीटीवी कैमरा के फुटेज में कैद हुआ है डंडों से जो है जब वो बार कर रहा था, लेकिन उसके अलावा दूसरी तरफ से भी जो है 3 से 4 लोग और आ रहे थे, जो कि शायद दूसरे सीसीटीवी कैमरा में भी जो है उनकी फुटेज कैद हुई होगी। उसकी भी हम लोग जो है सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देखने का प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आप लोगों से अपील यही करना चाहेंगे कि वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, जिनके साथ जो है ये वारदात हुई, एक बार हम उनसे जानना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या था। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, कब की ये बात है और क्या पूरा मामला था? ये 12 तारीख की बात है, 8:15 से 16:17 के आसपास मैं घर जाने लगा, तो मेरे साथ एक साथी भी था मेरा, बस वो गाड़ी में सामान रखने ही गया, तो इतने में ये एक लड़का सामने से पीछे से मेरे, जिसने डंडों से मारा, और दूसरी तरफ से 3-4 लड़के और मेरे गिरने के बाद भी मेरे को पीटते रहे। मेरे को नहीं पता ये कौन लोग थे। मैंने इसके लिए शाम को मैं मेडिकल, मेरे जो साथ जो साथी था वो मेरे को हॉस्पिटल ले गया, सिविल हॉस्पिटल, वहाँ से मेडिकल बनवा के मेरे सर फट चुका था, बिल्कुल खून आ रहा था, टांके भी लगे हुए हैं मेरे सिर के ऊपर, 6 से 7 टांके हैं। तो जब मैं पुलिस स्टेशन में गया था, पुलिस स्टेशन वालों का बिहेवियर बहुत ही नेगलिजेंस था। उन्होंने कोई PCR पे उन्होंने खुद इन्फॉर्म नहीं किया, बल्कि मेरे को ही कहने लगे कि आप CCTV फुटेज लेके आइए। मैं 2-3 दिन से CCTV फुटेज अपने लेवल पे कलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई भी ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई कि वो चौक पे कुछ कैमरे लगा रखे हैं तो उन्होंने कुछ वो अपनी तरफ से देखे। तो मैं पुलिस को चाहता हूँ कि CMCT होने के नाते, इतना बड़ा मुगल किनाल है, यहाँ पे सभी लोग व्यापारी हैं, लोग पैसा भी लेके जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारी सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। क्या पुरानी रंजिश या कोई लूट का नहीं? मेरे को कुछ ऐसा नहीं समझ आ रहा, क्योंकि मेरा ऑफिस 4 साल से मैं यहीं चला रहा हूँ, तो ऐसा कोई लड़के सब पुराने हैं, कोई ऐसा कोई छोड़ के भी नहीं गया, मतलब मेरे को अभी तक समझ नहीं आया। लेकिन कुछ हो भी सकता है, किसी ने कोई पर्सनली ले रखा हो तो मेरे को ना बताया। सर हो सकता है कि लूट के इरादे से बोलो? हाँ, ये भी जरूर हो सकता है, क्योंकि मेरी जेब में मेरे पास बैग था, बैग में कैश था, वो जाके जा चुका था, गाड़ी में रख चुका था मेरा दोस्त, जेब में 2-1 हज़ार रुपये थे, वो गिर गए, वो मतलब मेरे को बाद में नहीं मिले, वो बाद में हो सकता है उस समय मारने के वक्त गिर गए हो, या वो हो सकता है उनको पहले से पता था, क्योंकि वो मैंने जब दूसरी CCTV फुटेज देखे सामने की तो वो आधे घंटे पहले से खड़े थे। तो हमारा रोज़ DTH का काम है, एयरटेल DTH का रोज़ का कैश भी होता है थोड़ा बहुत, तो चलो वो हम रात को ज़्यादा नहीं रखते, लेकिन थोड़ा बहुत होता है, तो इस चक्कर में भी वो हो सकता है कि आए हो। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुमिंदर मल्होत्रा है। तो ये आपने देखा, जैसा कि सर ने बताया कि सीसीटीवी कैमरा की फुटेज हम आपको एक बार सामने वाले जो सीसीटीवी कैमरा की फुटेज है वो भी जरूर दिखाना चाहेंगे। जैसा कि सर ने बताया कि काफी देर से जो है वो लोग वहां पर खड़े हुए थे, इंतजार कर रहे थे, हो सकता है कि उन्होंने पहले से ही जो है ये एक सोची समझी साजिश हो। और जैसा कि सर ने बताया कि पुलिस को भी हालांकि कंप्लेन दिए हुए 4 दिन हो चुके हैं, अभी तक पुलिस द्वारा भी जो है कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हमने आपको लाइव तस्वीरों में सीसीटीवी कैमरा की भी फुटेज दिखाई, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं किस तरीके से बुरे तरीके से जो है डंडों से उनको मारा गया। कोई पुरानी रंजिश, जैसा कि सर का कहना है कि ऐसी कोई उनकी पुरानी रंजिश किसी से नहीं थी, 4 साल से वो यहां पर काम कर रहे हैं, जो उनके स्टाफ के मेंबर्स हैं वो वही पुराने हैं, लेकिन क्या कुछ कारण रहा इसके पीछे का वो हालांकि पुलिस जांच के बाद ही पता लग पाएगा। हमारी आप लोगों से बार बार यही अपील रहेगी कि वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। एक बार फिर से हम लोग आपको सीसीटीवी कैमरा की फुटेज दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं जब अपनी दुकान को लॉक कर वो जाने लगे थे, तो तब किस तरीके से पीछे से एक शख्स आता है डंडों से जो है
है बुरी तरीके से उन्हें मारना शुरू कर देता है। और केवल यही नहीं, उसके बाद दूसरी तरफ से भी जो है 3 से 4 युवक आए, जैसा कि सर ने बताया, और उन्होंने भी उसके बाद दोबारा जो है इन पर डंडों से वार किया, जिसके बाद आपने खुद देखा किस तरीके से इनके सिर पर जो है स्टिचेस भी आए हैं, मेडिकल इनके द्वारा करवाया गया, पुलिस सिविल लाइन थाने में जो है कंप्लेन भी करवाई गई, लेकिन अभी तक जैसा कि इनका कहना है कि पुलिस द्वारा कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया गया है। आकर जो है एक बार भी मौके पर आकर सीसीटीवी कैमरा की फुटेज हो या आसपास की दुकानों की सीसीटीवी कैमरा की फुटेज हो, वो नहीं खंगाली गई है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को भी इस तरफ ध्यान देने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जैसा कि इन्होंने कहा कि अगर हम लोग पर्टिकुलरली मुगल केनाल की ही बात करें, कई व्यापारी यहां पर जरूर है, और काफी बार जो है अगर ऐसा कोई वाक्य सामने भी आता है तो चौक चौराहे पर जो सीसीटीवी कैमराज लगाए गए हैं प्रशासन द्वारा, उन्हें जरूर, उनकी फुटेज को जरूर खंगाला जाना चाहिए और देखा जाना चाहिए कि आखिरकार ये युवक कौन थे, कहां से ये लोग आए थे, क्या कुछ इनके पीछे का इरादा था, वो हालांकि पुलिस जांच के बाद ही पता लग पाएगा। तो एक बार फिर से हम आप लोगों से अपील यही करना चाहेंगे कि जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि पुलिस तक जो है ये वीडियो जरूर पहुंच सके और जल्द से जल्द जो है जो भी जरूरी कार्रवाई है वो जरूर की जाए। उर्वशी चावला, करनाल, ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।